हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी सिंपल ब्लॉक की कटिंग कैसे करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए ये हमारा कपड़ा है, इसे हम इस तरह खोल लेते हैं। पहले देखिए सर हमने डबल फोल्ड कर लिया है ये। अब पहले हम इसमें बैक साइड का निकालेंगे। बैक साइड हमारी लंबाई 13.5 है तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फोल्ड करने के लिए चाहिए इसमें, तो 14.5 इंच ले लिया हमने। इसका निशान लगा लेते हैं, क्योंकि शोल्डर से 6 इंच, इसके मुंडे भी हम 6 इंच लेंगे। ये हम 34 साइज का बना रहे हैं इसलिए हमने 9 इंच ले लिया ये, और 2 इंच हमारा मार्जिन लेंगे हम। किस तरह इसमें हम 1.5 इंच की बुलाई लेंगे। अब हम इसका नेक कट करेंगे तो हम शोल्डर से 2.5 इंच ले लेते हैं और इसकी लंबाई हम 6 इंच लेंगे। तैयार में ये 5.5 इंच आ गए। इसमें हम 1 इंच की बुलाई लेंगे। सेम डॉग हम कट कर लेते हैं। पहले देखिए इस तरह हमने बैक साइड का कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का कट करेंगे। अब देखिए इस तरह हमने सीधा दिया 6 इंच ले लेते शोल्डर इसका, इसके मोटे में हम 6 ले लेते हैं। ये हम 34 साइज का बना रहे तो हम 9 इंच ले लेते हैं, 2 इंच हमारा मार्जिन। देखिए इसकी लंबाई 13.5 हमारे तैयार में है और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ना फोल्ड करने के नीचे, तो 14.5 ले लिया हमने। किस तरह 1 इंच की बुलाई देंगे हम इसमें। शोल्डर से हम 2.5 इंच लेंगे, इसकी लंबाई हम 6 इंच लेंगे। इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 1 इंच की बुलाई देंगे। इस तरह राउंड में शेप देते हैं, सेम डॉग हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैं फ्रंट कट कर लिया है। अब हम स्लीव कट करेंगे इसमें से। इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया स्लीव के लिए। एक बार फोल्ड करेंगे तो हमारा ये फोर फोल्डिंग हो गए। देखिए अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई बताते हैं आपको। इसकी विड्थ हम 10 इंच लेंगे तो हमारा इसमें 1.5 इंच कम है तो हम इसमें इस तरह पट्टी ज्वाइंट करेंगे साइड में। इसकी लंबाई हम 5 इंच हमारे तैयार में है, हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच नीचे फोल्ड करेंगे और हाफ इंच सिलाई में जाएगा ऊपर। देखिए हमने ये 4 पीस हमने कट कर लिए, इस तरह हम इसे 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशाना लगा लेते हैं। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम जो आगे का हमारा स्लीव है उसमें हम 1/2 इंच की गुलाई देंगे। ठीक है, इस तरह जहां से हमारा मार्जिन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह 1/2 इंच की इस तरह हम कट कर लेते हैं।
पट्टी में कट कर लिया है, स्लीव भी कट हो गई है। नेक पट्टी कट करेंगे क्रॉस में, इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच में निशान लगा लेंगे। देखिए फिर मैंने क्रॉस में पट्टियां कट कर ली हैं, आई की पट्टी और हुक के लिए पट्टी कट की है हमने। देखिए इसकी चौड़ाई के लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और आई के लिए हमने 3.5 इंच पट्टी कट की है। देखिए इस तरह हमारी दोनों पट्टियां कट हो गई हैं। देखिए हम प्लेट डालेंगे इसमें, जी देखिए हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह 4.5 इंच लंबे प्लेट डालेंगे हम इसमें। देखिए यहाँ से भी हम 4 इंच निशान लगा लेते हैं और इस तरह 3 इंच लंबी प्लेट डालेंगे, 6 इंच निशान लगा लेते हैं, यहां से हम 4.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। देखिए यहां से हम इस तरह 6 इंच निशान लगा लेते हैं, यहां से हम 6 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह, देखिए हम बैक साइड प्लेट डालेंगे इसमें, ये नीचे से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह 4.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे हम। देखिए इस तरह बैक भी हमने कट कर लिया है, फ्रंट भी कट कर लिया है, स्लीव भी कट कर ली हमने, हुक और आई के लिए हमने पट्टी कट कर ली है और नेक के लिए हमने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है हमने। देख सकते हैं इस आसान तरीके से आप ही सिंपल से ब्लाउज के लिए कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।